बच्चों, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट सेकंड, तो पार्ट वन जो है इसका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बच्चों को पार्ट टू पढ़ना है, राइट। देखो ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया। हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ी, जिसमें हमें कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मिलती है, मींस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब देखो ग्रेविमेट्रिक का मतलब ही है एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ वेट, क्या है, या मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ वेट। मींस जिस एनालिसिस में हम अपने एनालाइट का वेट निकाल सकते हैं, वजन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम एनालाइट का वजन निकाल सकते हैं, कितना वेट, अगर बात की जाए तो वेट हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नहीं निकाल सकते, उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को हम भारात्मक, क्या, भारात्मक विश्लेषण भी बोलते हैं, है ना। अब विश्लेषण कैसे लिखा जाएगा, गलत हो जाएगा तो हंसोगे तुम लोग, ठीक, भारात्मक विश्लेषण बोलते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक, ठीक, इसका हम लोगों ने बाकायदे पूरा प्रिंसिपल कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात कर ली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, कितने टाइप की होती है ना। तो टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस देयर आर फोर फंडामेंटल टाइप, कितने, चार तरीके की होती है, कहां गया, हाँ, चार तरीके की ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है, जिसमें एक होता है प्रसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक। अब प्रसिपिटेशन ग्रेविमेट्री में क्या होगा भाई, देखो सिंपल सी चीज है, मान लिया इसमें हमने यहां पे एनालाइट डाल दिया, क्या डाला, एनालाइट, जिसकी एनालिसिस हमें करनी है वो एनालाइट डाला, ठीक। अब इसका वजन कैसे निकालोगे, जैसे लैब में जाते हो रिएक्शन करते हो, रिएक्शन में एक केमिकल कोई डाल दिया, है ना, दूसरा कोई डाल दिया, तीसरा कोई डाल दिया, अब उन सबको क्या किया आपने, घोल लिया, ऊपर से आपने कुछ प्रसिपिटेटिंग एजेंट डाल दिया जिसकी वजह से वो प्रसिपिटेट हो गया। एग्जैक्टली क्या, जैसे सपोज करो इसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी इतनी चीजें इसमें हैं। अब हमें बी का वेट निकालना है, बी का वजन निकालना है, कैसे निकालोगे, कोई ऐसा प्रसिपिटेटिंग एजेंट डालो जो इस बी के साथ रिएक्शन करके बी को प्रसिपिटेट कर दे। अगर बी प्रसिपिटेशन में आ जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, है ना, इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, ड्राई करेंगे, ठीक, ड्राई करने के बाद इसका इंसनरेशन करेंगे, मींस जो भी इंप्योरिटीज हैं वो बाहर चली जाए, है ना। तो नंबर ऑफ वॉश करेंगे, जितने भी स्टेप्स हमने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में देखा प्रीवियस में, वो सारे स्टेप्स क्या करेंगे, इसमें हम फॉलो करेंगे और बाद में इसका हम वजन निकाल लेंगे। कहने का मतलब, सपोज करो 10 चीजें इस वेट के अंदर 10 है, हमको किसी एक का वेट चाहिए, तो हम ऐसा प्रसिपिटेटिंग एजेंट डालें जो उस एक के साथ मिलके उसका प्रसिपिटेट बना ले, बाद में प्यूरिफिकेशन करके हम एग्जैक्टली वेट निकाल सकते हैं। तो यह है प्रसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। प्रसिपिटेशन ग्रेविमेट्री यूजेस द प्रसिपिटेशन रिएक्शन टू सेपरेट वन और मोर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू सॉलिड, इन अदर वर्ड मास के फॉर्म में। मतलब हम जो है किसी चीज का वेट सॉलिड में, उसको सॉलिडिफाई कर लो तो वजन निकल आएगा। सॉलिडिफाई कैसे करोगे, लिक्विड में है प्रसिपिटेटिंग एजेंट डाल दो तो प्रसिपिटेट हो जाएगा, प्रसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, उसका प्यूरिफिकेशन कर लो, उसका ड्राई वाई कर लो, डाइजेशन कर लो, वॉशिंग कर लो, ठीक, प्रसिपिट, कहने का मतलब अल्टीमेटली कंप्लीट जो है प्योर करके आप उसका वजन निकाल सकते हो। आगे हम जो है देखेंगे कि उन किस प्रोसीजर से हम एस्टीमेशन निकालते हैं वो भी देखेंगे, पहले टाइप्स देख लो। दूसरा भाई, वोलेटलाइजेशन ग्रेविमेट्री। अब वोलेटलाइजेशन ग्रेविमेट्री में क्या करोगे, इसमें सेपरेट करोगे वेपराइज करके, जैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते थे हम लोग। अब देखो वोलेटलाइजेशन में भाई हमने क्या किया,
एक बीकर ले लिया, बीकर में हमने सॉल्यूशन डाल दिया, है ना। वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेटिक इन्वॉल्व द सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अवर मिक्सचर बाई केमिकली डिकम्पोजिंग द सैंपल यूजिंग द थर्मल एंड केमिकल एनर्जी, रिमूव द वोलेटाइल स्पीसीज। भाई सिंपल सी बात समझो, जैसे ये बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने क्या डाल दिया है, सॉल्यूशन डाल दिया है। अब फिर नीचे से आपने हीट कर दी, जब हीट करोगे तो वोलाटाइल और जितना भी वोलाटलाइज मटेरियल है, जितना भी इवेपोरेशन है, वो इवेपोरेट होके इधर कलेक्ट हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस पता लगा लोगे तो पता चल जाएगा कितना वजन था। सपोज करो पानी में कोई चीज घोल लो, है ना, कोई चीज पानी में घोल लो, उसके बाद क्या करो, पानी को उसके बाद उसको क्या गर्म कर दो, गर्म करके जितना भी पानी है वो उड़ जाएगा और जो रिमेनिंग चीज है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे मिल जाएगी। तो जो सॉलिड फॉर्म है उसको वजन करके हम उसका प्यूरिफिकेशन करके क्या कर सकते हैं, उसका वेट निकाल सकते हैं। यही तो ग्रेविमेट्रिक में करते हैं। तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक। अब इसमें हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, एनोड और कैथोड का। इलेक्ट्रोड को हम पहले से वजन कर लेते हैं ताकि उसके ऊपर जो डिपोजिशन हो, भाई पहले वजन कर लिया आपने ब्लैंक में, फिर जब डिप आयोनाइज होगा, आयोनाइज होके पॉजिटिव निगेटिव पे जाएगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव एंड पे जाएगा, तो जो जाएगा तो उसके बाद जब हम उसके साथ वजन करेंगे तो इनिशियल वाले से जब माइनस कर दोगे तो एग्जैक्टली कितना डिपोजिशन हुआ है तो उस एनालाइट का वजन निकल आएगा। भाई सिंपल सी चीज है। इन दिस मेथड क्या करते हैं, सेपरेट क्वांटिटी ऑफ आयन ऑफ द सब्सटेंस को हम निकालते हैं, यूजुअली क्या करते हैं मेटल आयंस को, क्या करते हैं डिपॉजिट द एनालाइट एज द सॉलिड फिल्म एंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के ऊपर सपोज करो ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसका हमने वजन कर लिया, हमको सिर्फ ब्लैंक इलेक्ट्रोड का वजन पता है, ठीक। उसके बाद जब सॉल्यूशन के साथ हमने कनेक्ट किया तो जो भी पॉजिटिव आयन है सपोज करो या निगेटिव आयन, इसके ऊपर आके लेयर उसने बना ली। अब जब लेयर के साथ वजन कर लो, अब कैसे पता चलेगा कि इसमें जो लेयर है मेटल्स की, आयंस की, एनालाइट्स की, उसका वजन कितना है, तो पहले वाले से एग्जैक्टली इसके वजन से घटा दोगे। भाई पहले जो हमने वजन लिया है उसके वजन से बाद वाले का वजन घटा दोगे तो पता चल जाएगा कि लेयरिंग कितने ग्राम की है, ठीक। फिर थर्मोग्रेविमेट्रिक या पर्टिकुलेट ग्रेविमेट्रिक, इसमें किसी भी तरह का केमिकल कन्वर्सेशन नहीं होता, कन्वर्जन नहीं होता है, सिंपल वजन, सिंपल कभी फिल्टर करके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, जैसे गैस या सॉलिड को हम क्या करते हैं, हम जो है बिना किसी केमिकल कन्वर्जन के उसको सिंपली फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट करके उसका वजन निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक या पर्टिकुलेट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये हो गई बात का है कि टाइप्स की, है ना, चार तरीके की ग्रेविमेट्रिक देखी हमने। एडवांटेज की बात करें कि भाई फायदा क्या है, तो सबसे पहली चीज जितनी भी एनालिसिस है इसमें मोस्ट प्रिसाइज होता है, मींस सबसे एक्यूरेट वजन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आता है। पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर आर रियली चेक्ड सिंस द फिल्ट्रेट कैन बी टेस्टेड कंप्लीटनेस, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट मे बी एग्जामिन्ड, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर्स को चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन आता है कई बार उस प्रेसिपिटेशन के साथ, भाई जाहिर सी बात है चार पांच आपने इसके अंदर एलिमेंट डाले हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सपोज करो डाल दिया, उसके बाद आपने उसको वॉश कर लिया एक बार एल्कोहल से, तो एल्कोहल रिलेटेड जितनी इंप्योरिटी नीचे आ जाएगी, एक बार पानी से आपने वॉश कर लिया वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज आ जाएंगी, फिर हमने ड्राई कर लिया उसको, ड्राई करके फिर हमने उसका जब वजन निकाला उसके बाद भी बहुत सारा चांसेस बचता है कि कुछ इंप्योरिटी ट्रेस अमाउंट में वहां पे बची रह सकती है, तो इनको चेक करते रहना है। कैसे, आप बाकायदे टेस्टिंग करके। डिटरमिनेशन कैन बी कैरीड आउट विद रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव ऑपरेटर्स। अब सोच के देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या हो रहा है, मींस इसमें किसी भी तरह का कोई भी बोला जाए तो जो ऑपरेटर्स है उसका कुछ चार्ज नहीं, मींस बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता है। भाई कोई भी असेंबली ले लो, बड़े आराम से गर्म कर लो, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट मिला दो, तो कोई बड़ा रॉकेट लॉन्च नहीं करना। इसमें जो सबसे महंगा आइटम होता है उसको बोलते हैं मेफल फर्नेस। मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम जो होता है वो मेफल फर्नेस होता है। सम टाइम प्लेटिनम
क्रूसिबल होते हैं, जो प्लेटिनम के क्रूसिबल यूज किए जाते हैं एश वैल्यू निकालने में या इंसनरेशन करने में, जिसके अंदर मटेरियल को रख के मेटल फर्नेस में रखते हैं, तो ये दो चीजें जो है काफी महंगी होती हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वॉज यूज टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ मैनी एलिमेंट। मीन्स इस टेक्नोलॉजी से, इस एनालिसिस से, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मास तक निकाले जा सकते हैं। ग्रेविमेट्रिक इज वेरी लो चांस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल एरर, डज नॉट रिक्वायर अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ऑफ एन अननोन। मीन्स इंस्ट्रूमेंटल एरर के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, इसीलिए इसमें कैलिब्रेशन की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये रहे भाई एडवांटेज मींस फायदे क्या होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के। ओके, अब डिसएडवांटेज भी देखो भाई, अगर अच्छी बातें तो खराब बातें भी होगी। मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज्यादा समय जाता है, यही एक वजह। और आज की डेट में सबसे ज्यादा जो कीमती है वो समय है, इसीलिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता, ना के बराबर, इसको लगभग एब्सोल्यूट कर दिया गया। सस्ता जरूर है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। केमिस्ट टुडे वर्ड प्रेफर अदर मेथड्स ओवर दिस। इसके अलावा दूसरे मेथड्स केमिस्ट जो है प्रेफर करते हैं, राइट, इसकी जगह। द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इन जनरल कैन प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ द सिंगल एलिमेंट और लिमिटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट एट अ टाइम। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में एक समय पे एक एलिमेंट या लिमिटेड ग्रुप के एलिमेंट का ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। माइनर मिस स्टेप इन द प्रोसीजर कैन लीड द बिग एरर। भाई जाहिर सी बात है, एनालिसिस कर रहे हो, अगर छोटी सी भी कोई एरर हो गई तो रिजल्ट में ये बड़ा दुष्प्रभाव दिखा सकती है। मींस उसका जो है प्रेसिपिटेशन, ग्रेविमेट्री स्पेशली जब बहुत सारे एलिमेंट हम लेते हैं तो वहां पे उसके दुष्प्रभाव बहुत सारे हो सकते हैं। मींस आपकी जो एनालिसिस है वो सही नहीं होगी। ठीक, अब एस्टिमेशन निकाला जाए अगर बेरियम सल्फेट का अगर हम एस्टिमेशन, एक मिनट, क्या है कि कोई फोन आ रहा है यार बार-बार, ठीक करने दो। हाँ, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, एस्टिमेशन ऑफ, देखो यही रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है इस किसमें, पार्ट नंबर 1 में। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मिलता क्या है बेरियम सल्फेट एंड HCl। बेरियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। जब बेरियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। यही तो करते हैं हम भाई, प्रेसिपिटेशन मेथड है इसमें। ग्रेविमेट्रिक में क्या करते हो, सिंपल समझने का सीधा तरीका, ग्रेविमेट्रिक में क्या है प्रेसिपिटेशन मेथड ही तो देखा हमने। ठीक, प्रेसिपिटेट आ गया। अब प्रेसिपिटेशन में हमको इसमें करना क्या है, इसमें हमें बेरियम का वेट निकालना है, बेरियम का वेट निकालना है। तो प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेटेड बेरियम सल्फेट इज सेपरेटेड एंड वेट। क्या करोगे, पहले भाई बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा ली, ठीक, हुआ क्या, बेरियम सल्फेट मिला। अब बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट आया है इसमें से हमको बेरियम का वेट निकालना है। एस्टिमेशन ऑफ वेट ऑफ बेरियम, बात समझ रहे हो, पूरा कंपाउंड का नहीं, क्योंकि जो आपका प्रेसिपिटेट है उसमें तो पूरा बेरियम सल्फेट है ना, और आप बेरियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी, आपको निकालना क्या है, बेरियम का वेट निकालना है। ठीक, देखो मास ऑफ बेरियम इन गिवन सॉल्यूशन कैलकुलेटेड बाय, इन्होंने एक हिंट दी है कि भाई 233.36 ग्राम बेरियम सल्फेट में जो बेरियम है वो कितना है, 137.36 ग्राम। हिंट मिली है, हिंट क्या, जो हमको गिवन है कि 233.36 ग्राम बेरियम सल्फेट में 137.36 ग्राम बेरियम है। अब जो गिवन अमाउंट है बेरियम सल्फेट का, जो टोटल प्रेसिपिटेट का वेट है, उसमें हमको निकालना है कि एग्जैक्टली बेरियम का वेट कितना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो प्रोसीजर देखो भाई, प्रोसीजर में कैसे करोगे, है ना, थ्योरी तो हमको पता चल गई। क्या किया आपने, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, पहले आपने देखो ध्यान से, आपने क्या किया, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया किसमें, 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में,
100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ठीक, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लिया आपने। अब क्या किया, इस सॉल्यूशन से 20 ml, इसका जो है 20 ml, इसका जो 20 ml है वो ट्रांसफर कर लिया आपने बीकर में। बीकर कितना है, 250 ml का। इसका 20 ml आपने क्या किया, सॉल्यूशन निकाला, जो आपने 100 ml बनाया था बेरियम क्लोराइड, उससे 20 ml आपने निकाल के आपने 250 ml के बीकर में डाल दिया। अब जो 250 ml के बीकर में आपने ट्रांसफर किया, उस सॉल्यूशन में ऐड करोगे 5 ml दो नॉर्मल, 2 नॉर्मल HCl। इसमें और क्या ऐड करोगे, 5 ml 2 नॉर्मल HCl, ठीक। और अब इसका वॉल्यूम मेकअप करोगे 150 ml तक, 150 ml वॉल्यूम मेकअप करोगे। किससे मेकअप करोगे, डिस्टिल वाटर से। किससे मेकअप किया आपने, डिस्टिल वाटर से, कितना, 150 ml, ठीक। अब सॉल्यूशन को क्या करोगे, नीचे से हीट दे दोगे, इसको नीचे से हीट दोगे, और जब ये बॉयल होने लगेगा तो इसमें 10 से 15 ml 4 नॉर्मल H2SO4, बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या करोगे, इसकी स्टिरिंग करोगे। भाई बेरियम क्लोराइड पहले से है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने मीडियम मेंटेन करने के लिए दे दिया, अब क्या किया आपने, ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड करना शुरू किया, जिससे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा। क्या होगा रिएक्शन में, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा। तब तक स्टिरिंग करनी जब तक कंप्लीट प्रेसिपिटेट ना हो जाए। अब क्या करोगे, ये जो प्रेसिपिटेट आया है, जो प्रेसिपिटेट खाली प्रेसिपिटेट है, इसको 5 मिनट के लिए वाटर बाथ पे और गर्म करोगे। 5 मिनट के लिए वाटर बाथ पे गर्म करोगे और फिर एक घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दोगे। इस प्रेसिपिटेट को आपने साइड में रख दिया। अब जो क्लियर सॉल्यूशन आया, एक होता एसलेस फिल्टर, आप लोगों ने अपनी लैब में एक फिल्टर पेपर देखा होगा, खुरदुरा सा अजीब टाइप का, ठीक, ये तो नॉर्मल फिल्टर पेपर है। वहीं पे एक व्हाइट कलर का सर्कल में गोल गोल सा, वो गोल गोल सर्कल में आते हैं व्हाइट कलर के, थोड़े से कॉस्टली होते, एकदम व्हाइट, उसको बोलते हैं एसलेस। क्या बोलते हैं, एसलेस फिल्टर पेपर। आप डिमांड करोगे तो आपको आपकी लैब में प्रोवाइड कराया जाएगा। एसलेस फिल्टर पेपर में हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर कर लेते हैं। अब जो ऊपर रह गया, जो ऊपर प्रेसिपिटेट बचा रह गया, उसको हम थोड़े गर्म डिस्टिल वाटर के साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको वॉश कर लेते हैं। क्यों वॉश कर लेते हैं, ताकि जो सल्फेट से रिलेटेड इंप्योरिटी बची हुई है वो नीचे चली आए। वाटर के साथ करोगे तो क्या होगा, H2SO4 बन गए, नीचे चला आएगा, और भी जो वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटी है वो चली आएंगी। अब जो फिल्टर केक ऊपर बचा हुआ है, जो ऊपर बचा है उसको क्या करोगे, उसको क्या किया आपने, ड्राई कर लिया और वजन किया आपने उसी के बराबर का फिल्टर पेपर जो आपने इस्तेमाल किया था, ठीक। अब इसको रखा आपने बर्नर में या इलेक्ट्रिक बर्नर में ड्राई होने के लिए, इलेक्ट्रिक बर्नर में या मफल फर्नेस में या ड्रायर में, अल्टीमेटली हमको ड्राई करना है, ठीक। जब ड्राई हो गया, जब फाइनली क्रूसिबल आपका ड्राई हो गया, तो क्या करोगे, डेसिकेटर, एक डेसिकेटर होता है, डेसिकेटर में आप उस क्रूसिबल को रख दोगे, कहे के लिए, ठंडा होने के लिए, ठंडा होने। अब डेसिकेटर में क्यों रखा, बाहर रख दो तो जल्दी हो जाएगा। डेसिकेटर में वो चीजें रखते हैं कि हम ये मानते हैं कि डेसिकेटर के अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, मींस जो कुछ भी आप डेसिकेटर में रख दोगे वो मॉइस्चर फ्री रहेगा। अब ये गर्म क्रूसिबल है, गर्म प्रेसिपिटेट इसमें है, बाहर रखोगे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी की इंप्योरिटी आ जाएगी, तो डेसिकेटर में रखेंगे तो इस इंप्योरिटी से बच जाएगा। उसके बाद इसको कूल करके हम क्या करते हैं, इसका वजन कर लेते हैं, ठीक। अभी हमारे पास वजन किसका आया, वजन आया हमारे पास बेरियम सल्फेट का। अब ये जो बेरियम सल्फेट का वजन है, इस वजन से हम क्या करेंगे, बेरियम का वेट निकालेंगे। इसके अंदर से हम बेरियम, यानी इनडायरेक्ट एनालिसिस करें, निकालना बेरियम का है लेकिन हम बेरियम सल्फेट बना के निकाल रहे हैं, ठीक। ये होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रोसीजर। अब कैसे निकालना है, एस्टिमेशन कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो क्रूसिबल है, क्या है, ये क्रूसिबल है, ठीक। क्रूसिबल आपने वजन किया, क्रूसिबल के ऊपर आपने एक ढक्कन लगाया, लिड, इसको वजन किया, और इन दोनों को रख के जब वजन किया तो उस वजन आया आपका W, कितना आया W, ठीक। अब
इस क्रूसिबल के अंदर आपने क्या कि भाई क्रूसिबल है आपके पास, प्लस क्या है, लिड है। अब इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट आया है वो प्रेसिपिटेट काहे का है, वो प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम सल्फेट। तीनों का वजन जो आएगा इसको हमने बोला W1, क्या बोला W1, ठीक। अब अगर बात किया जाए एग्जैक्टली बेरियम सल्फेट का वजन कितना है, भाई हमको कटोरी का वजन पता है, हमको ढक्कन का वजन रख दिया उस पे और वजन निकाल लिया। अब ढक्कन के अंदर जो सामान रखा है, ढक्कन के अंदर मीन्स उस बाउल के अंदर जो लिड वाला बाउल है उसके अंदर सामान रखा है, उसका वजन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसका वजन निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, पहले जो आपने लिड वाला कटोरी रखा है उसका वजन आपके पास है, टोटल वजन से माइनस करो, मतलब W1 माइनस W कर दे तो आपको बेरियम सल्फेट का वजन मिल जाएगा। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, सपोज करो, सपोज करो, एक मिनट में बताता हूं, एक सेकंड। देखो इसको समझो क्रूसिबल, इसके ऊपर मान लिया ढक्कन है, ठीक, इसका हमने वजन रखा, इसको हमने कहा W1, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि इसका हमने जब प्रोसीजर किया तो प्रोसीजर करने के बाद इसके अंदर आइटम आ गया, कुछ आइटम रख दिया हमने, दो तीन ग्राम जो भी है। अब इस आइटम का वजन कैसे निकालूं भाई, या तो हम इसको वो करके निकाल लें, या तो इस टोटल को हम आइटम के साथ वजन कर लें, और जो ये ढक्कन है, जो ये जो आपका ये क्रूसिबल है इसका वजन लिड के साथ हमको पता है, माइनस कर दो तो हमको जो अंदर रखा है उसका वजन मिल जाएगा आराम से, ठीक। यही सिंपल सा प्रोसीजर था। अब देखो इसमें बेसिकली करते क्या है, क्या करते हैं हम, हमने किया कि भाई जो हमें हिंट दिया गया था, हिंट दिया कि वन ग्राम, भाई देखो वन 233.36 में बेरियम सल्फेट में बेरियम कितना है, 137.36 ग्राम, ठीक। ये क्या है बेरियम सल्फेट में, ये क्या है बेरियम की मात्रा है। अब अगर एक ग्राम भाई 233 ग्राम में 137 है, एक ग्राम में बोल दिया जाए तो सिंपल सा मैथ का नियम क्या, इसका इसको डिवाइड कर दो 233.36 ग्राम से, ठीक। अब हमें चाहिए कितने में, W2 में, W2 में कितना बेरियम होगा भाई, एग्जैक्टली W2 में कितना बेरियम होगा, तो हम क्या करते थे 137.36 डिवाइड बाय 233.36 इनटू W2, देख लो ऐसे तो करते हैं भाई। हमको पता है कि भाई 10 केले लिए हमने 100 रुपए क्या, ठीक, 10 केले 100 रुपए के, एक केला क्या करोगे 100 डिवाइड बाय 10, ठीक। 1000 केले का करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, वजन निकल आएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा W2 का, ठीक, इतने W2 में के वजन में कितना बेरियम है, ये जो कैलकुलेशन आएगा, ये जो कैलकुलेशन आएगा ये किसका आएगा, टोटल प्रेसिपिटेट में जो बेरियम का वेट है, यानी एस्टिमेशन ऑफ वेट हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इसी तरह से निकालते हैं। इसी के साथ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पूरी तरह से खत्म होता है। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन मिलता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको भी दूर किया जाएगा। ओके?